हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी प्रैक्टिस सेट ली जा रही है, प्रैक्टिस सेट नंबर 37। इसके पहले की 36 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है उन वीडियोज़ को जाके देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी कराए गए हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ क्विज और वॉइस मैसेज के थ्रू आपको रिविजन भी मिलता है, ठीक है। तो जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है जल्दी से इंस्टॉल करिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव किस पर डिपेंड करता है? तो पृष्ठ तनाव इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सर्फेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा, और एरिया कम होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, मानव का अध्ययन करना कहलाता है, तो मानव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग करते हैं मानव का अध्ययन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का अध्ययन। और हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ये आप लोग जरा कमेंट करके बताओ, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टो गेम्स। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिनमें जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में यानी कि खुली अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टो गेम्स को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखिए। और फेनरो गेम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो क्रिप्टो गेम्स क्या होता है? जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है और बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टो गेम्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न, ठीक है। फेनरो गेम क्या होता है? वो जो फूल, फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे फेनरो गेम्स कहलाते हैं। याद है एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? आर्द्रता, ताप, हवा की गति या दाब? तो ब्यूफोर्ट जो पैमाना होता है वो हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। किसको? तो हवा की गति को मापने के लिए। इसकी सारी रेंज देखिए इस स्केल में आपको दी गई है, कितनी से इतना होगा तो क्या होता है, ठीक है। तो ब्यूफोर्ट पैमाना जो होता है वो हवा की गति मापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ओके, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है ये बताना है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2.6। इसके वैलेंस शेल की में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो वैलेंसी हो जाएगी 2। वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की? तो 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है O2। O2 को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन से, ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं O3 से, ठीक है। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन क्या होता है? तो ये होता है O3। 9 परमाणु क्रमांक किसका होता है, परमाणु संख्या? तो 9 होता है फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं F से। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2.7। इसलिए इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जितने पाए जाते हैं आउटर शेल में, वो उसे कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी उसे कहते हैं जितना ले करके या फिर दे करके ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए, इसमें एक लेने से इसमें 8 जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? तो इसकी वैलेंसी है 1। उसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी थी 2, क्योंकि उसमें 2 लेने से इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 10 किसका है? तो 10 है नियॉन का। अब नियॉन क्या है? तो ये नोबल गैस है। क्यों नोबल गैस है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है 2.8। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसे हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस नियॉन को, ठीक है। 11 किसका परमाणु संख्या है? तो ये होती है सोडियम की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा? तो ये आएगा 2.81। क्या आएगा? 2.81 11 का आ जाएगा, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है और एक ही इसकी वैलेंसी भी होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम 3 होते हैं। और इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ट्राइटेनियम होता है वो रेडियो सक्रिय होता है, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं? तो ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे 1H1 ये हो गया प्रोटियम,
वन एस टू ये हो गया ड्यूटीरियम, ठीक है, वन एस टू ये हो गया ड्यूटीरियम और वन एस थ्री ये हो गया ट्राइटेनियम, और यही क्या होता है, तो ये रेडियो सक्रिय होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टोन सेतु यानी कि ब्रिज से क्या मापा जाता है, इसमें आप लोग ये ऑप्शन कट कर लीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग प्रतिरोध माप सकते हैं यानी कि रेजिस्टेंस माप सकते हैं। रेजिस्टेंस के साथ साथ और क्या माप सकते हैं, तो रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोग धारा भी नाप सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को वोल्टेज निकालना होगा तो इसका वोल्टेज भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज ये सब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाचक अम्ल है, तो पाचक अम्ल कौन सा है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसे हम लोग कहते हैं पाचक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। स्टोमक सेक्रेशंस आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेवरल एंजाइम्स एंड अ म्यूकस कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, म्यूकस कोटिंग जो होती है प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हेल्प करता है बॉडी टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन। इट आल्सो एलिमिनेट्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन द स्टोमक एंड प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये सारे रोल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को एलिमिनेट करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी इन्फेक्शन से भी बचाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी कि RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, समाप्त कहाँ पे होती है, तो ये प्लीहा में समाप्त होती है, ठीक है, प्लीहा में जा करके ये समाप्त होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक का होता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। ओके तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द बोन्स, स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो कॉल्ड हेमोसाइटोब्लास्ट गिव राइज टू ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। क्लियर हो गया सारा चीज, तो बोन मैरो में कहाँ क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और प्लीहा में जो होता है इसकी एंडिंग होती है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका जीवन काल कितने दिनों तक होता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसको दिया जा सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उस वो किसको किसको अपना ब्लड दे सकता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ओ दे सकता है, इसलिए ओ को क्या कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है सर्वदाता। ए बी को क्या कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, क्योंकि ये सभी से अपना क्या कर सकता है, सभी से ले सकता है, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप वाले होंगे तो ए बी को ब्लड दे सकते हैं और ओ जो होता है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, तो इसलिए इसको सर्वदाता और इसको सर्वग्राही कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। डिस्कशन में आपको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया कि कौन किससे ले सकता है, किससे दे सक किसको दे सकता है, ठीक है। डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, सारा चीज़ में डिस्क्राइब है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे सुपर 30 की सीरीज़ अब चलाई जा रही है, जो आपको डेली रात को 10 बजे मिल जाती है। इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स क्वेश्चन इसमें लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जिसने भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है ऐप को इंस्टॉल करिए और सुपर 30 सीरीज़ को ज़रूर से दीजिए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक बार बराबर होता है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि एक बार इज इक्वल्स टू होता है 10^5 पास्कल के। कितने पास्कल के, तो 10^5 पास्कल के। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ही यानी कि इसको कहा जाता है क्वांटम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। विकिरण किसे कहा जाता है, परिनालिका किसे कहा जाता है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए। तो देखिए विकिरण होता है किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विधि को विकिरण कहते हैं। परिनालिका क्या होती है, तो बिजली रोधी तांबे के तारों की बेलन आकृति की कुंडलित संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है परिनालिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्लूटो की खोज हुई थी, प्लूटो की खोज कब की गई थी, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्लूटो की खोज की गई थी 1930 में। हम आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी और किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, प्लूटो की खोज किसके द्वारा की गई थी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि एथिलीन हार्मोन जो होता है वो गैसीय रूप में पाया जाता है। और ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एथिलीन जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका अणु सूत्र क्या है, तो C2H4 होता है, क्या है, C2H4। अब हमने आपको बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है और अल्काइन का क्या होता है, तो ये क्या है, देखिए ईन है, एथिलीन है, तो यहाँ पे क्या है, C2H4 है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, क्या होता है, तो CnH2n ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है।
ये कैसा होता है एथिलीन? तो एथिलीन एक रंगहीन ज्वलनशील गैस होती है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है, ठीक है। एथिलीन और एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये किस प्रकार का हार्मोन है? तो यह एक गैसीय हार्मोन होता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहित ऊर्जा का एक रूप नहीं है? यानी कि कौन सी स्टोर्ड एनर्जी का एक रूप नहीं होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो होता है वो स्टोर्ड एनर्जी का एक रूप नहीं होता है। इसके अलावा जितनी एनर्जी होती है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तरंग की लंबाई का मान अगर आधा कर देंगे तो ध्वनि का वेग भी कैसा हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है तरंग की लंबाई के ऊपर। तरंग की लंबाई को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो उसकी जो वेग होगी ध्वनि का वो भी आधा हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? अगर मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? बेकिंग सोडा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देख लीजिए मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में होता है मेथनॉइक अम्ल। मेथनॉइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है। चींटियों में क्या होता है? तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि किसी पिंड के संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग संवेग का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों में हमने आपको रिलेशन भी बताया था। तो अगर संवेग का मान 50% बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो गतिज ऊर्जा में होगा 125%, इसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना मान बढ़ जाएगा? तो 125% बढ़ जाएगा यदि संवेग को 50% बढ़ाएंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 50% को आप लोग चेंज कर लीजिए नंबरिंग में। तो 50% को अगर हम लोग नंबर में चेंज करेंगे तो यह आएगा 1/2, ठीक है। क्या आएगा? 1/2। गतिज ऊर्जा आप लोगों को निकालनी है, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में निकालना है। तो 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है इसको। क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, 50% बढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ देंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करिए 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर लिया, 9 आ गया। अब 9 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो 9 और 4 के बीच में डिफरेंस है 5 का और मूल संख्या है 4। इसमें गुणा कर दीजिए 100 से, तो आपका निकल जाएगा कितना आएगा परसेंटेज? तो यहाँ से आपका आ रहा है 125%। ये पूरा मैथमेटिकल टर्म था जो हमने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज वाले वीडियो में भी दिए हैं। तो जिसने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है जाकर के देखिएगा मैथ्स का, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में समझ में आएगा। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ज़रूर से करिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ाया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान 125% क्या होगा? तो 125% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर। ये कितने मीटर के बराबर होती है? तो ये बराबर होती है 10^-15 मीटर के बराबर होती है एक फर्मी मीटर, ठीक है। 10^-15 मीटर के माइक्रोमीटर यानी कि 10^-6 नैनोमीटर, 10^-9 नॉटिकल मील किसके लिए यूज़ होती है? तो नॉटिकल मील समुद्र की गहराई को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया कि एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होती है। तो कमेंट करके बताइए एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होती है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक वॉच का परिवर्तन काल किस पर आधारित है? तो परमाणु घड़ी का परिवर्तन काल किस पर आधारित है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि सीजियम पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? सीजियम पर आधारित है। क्या? तो परमाणु घड़ी का परिवर्तन काल, सीजियम में सी को बड़ा रखेंगे और सी एस को स्मॉल से लिखेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, सिंबल क्या है? सी एस है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सीजियम का? तो 55 होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राइज यानी कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स का उदाहरण है? एक अकशेरुकी जीव होगा यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि केचुआ और जोंक जो होता है वो अकशेरुकी जीव यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स का उदाहरण होता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इमली में जो होता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है। और सारे का एक्सप्लेनेशन देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है,
लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पोटेशियम और कैल्शियम के लवणों के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। कौन सा एसिड? तो ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में, और मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक एसिड, ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य वर्णों के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑटोसोम जो होता है वो कोशिकाओं में पाए जाने वाला ऐसा गुणसूत्र है जो सेक्स क्रोम के अलावा अन्य वर्णों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पौधों के क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस रोग में नष्ट हो जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि तंबाकू का जो मोजैक रोग होता है ना, उसमें पौधों के क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे पत्तियों में, और पत्तियां कैसे होने लगेंगी? तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हमने आपको बता दिया है कि तंबाकू के पत्ते में मोजैक बीमारी से वह सिकुड़ जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, यहाँ तक कि पत्तियों के क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सेब के फल की आंतरिक जो कॉर्क होती है वो किसकी कमी के कारण विकसित होता है, ठीक है, किसकी कमी के कारण विकसित हो जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि बोरॉन की कमी हो जाती है अगर, तो उसकी कमी की वजह से सेब के अंदर जो आंतरिक कॉर्क होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। अब चलिए, कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कल का क्वेश्चन क्या था कि भोजन द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि भोजन द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई होती है कैलोरी। अब आज का क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी किसी ना किसी वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो भी आंसर करेक्ट तो कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ ही साथ ये बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वीडियो आपको कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।